देश भर में आखिर क्या है, पूरी तरह मॉनसून की स्थिति है, ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आईएमडी वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार जी। सर, किस तरीके से मॉनसून इस समय उत्तर भारत पर तमाम इलाकों में देखने को? देखिए, अगर मैं ये आपको सैटेलाइट के माध्यम से समझाऊँ, इस समय मेजरली जो फर्स्टली मानसून जो ट्रफ है वो पहले साउथ में था, इस समय नियर नॉर्मल पोजिशन है। ठीक है, जब साउथ में होता है, एक्टिव होता है, तो जिसका जो कोर जोन मानसून का होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री, वहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब ये स्लोली नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो और मेजरली जो रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए हमारा अरुणाचल और असम मेघालय के लिए हमने एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दे रखा है। उसके बाद हमारा ऑफशोर ट्रफ भी बना हुआ है, उसके प्रभाव से जो पूरा वेस्ट कोस्ट है वहाँ भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, मीन 12 से 20 सेंटीमीटर रेनफॉल होने का पॉसिबिलिटी है आने वाले दिनों में। अगर आप सेंट्रल इंडिया की बात करें, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट मोस्ट प्लेसेस में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। सर, दिल्ली NCR की यदि बात करें तो आसपास के इलाकों में काफ़ी ह्यूमिडिटी दो दिन से देखने को मिल रही है, तो ह्यूमिडिटी का अगर बात करें, क्या होता है कि ड्यूरिंग मानसून सीजन जनरली आपका बेस इवेंट्स आता है तो ह्यूमिडिटी जनरली हायर होता ही है, इधर रेनफॉल होता है या ह्यूमिडिटी रहता ही है अगर रेनफॉल ना हो। तो अगर NCR दिल्ली की बात करें तो आज और कल के लिए हमारा अनुमान ये है कि जैसे मानसून ट्रफ थोड़ा ऊपर जा रहा है तो इसमें लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है, उसके बाद ऑलमोस्ट कहीं ड्रिजल या लाइट रेनफॉल हो सकता है। देश भर में आखिर क्या है, पूरी तरह मॉनसून की स्थिति है, ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आईएमडी वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार जी। सर, किस तरीके से मॉनसून इस समय उत्तर भारत पर तमाम इलाकों में देखने को? देखिए, अगर मैं ये आपको सैटेलाइट के माध्यम से समझाऊं, इस समय मेजरली जो फर्स्टली मानसून जो ट्रफ है वो पहले साउथ में था, इस समय नियर नॉर्मल पोजिशन है। ठीक है, जब साउथ में होता है, एक्टिव होता है, तो जिसका जो कोर जोन मानसून का होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री, वहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब ये स्लोली नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो और मेजरली जो रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए हमारा अरुणाचल और असम मेघालय के लिए हमने एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दे रखा है। उसके बाद हमारा ऑफशोर ट्रफ भी बना हुआ है, उसके प्रभाव से जो पूरा वेस्ट कोस्ट है वहाँ भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, मीन 12 से 20 सेंटीमीटर रेनफॉल होने का पॉसिबिलिटी है आने वाले दिनों में। अगर आप सेंट्रल इंडिया की बात करें, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट मोस्ट प्लेसेस में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। सर, दिल्ली NCR की यदि बात करें तो आसपास के इलाकों में काफ़ी ह्यूमिडिटी दो दिन से देखने को मिल रही है, तो ह्यूमिडिटी का अगर बात करें, क्या होता है कि ड्यूरिंग मानसून सीजन जनरली आपका बेस इवेंट्स आता है तो ह्यूमिडिटी जनरली हायर होता ही है, इधर रेनफॉल होता है या ह्यूमिडिटी रहता ही है अगर रेनफॉल ना हो। तो अगर NCR दिल्ली की बात करें तो आज और कल के लिए हमारा अनुमान ये है कि जैसे मानसून ट्रफ थोड़ा ऊपर जा रहा है तो इसमें लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है, उसके बाद ऑलमोस्ट कहीं ड्रिजल या लाइट रेनफॉल हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट देवकुंड के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।